हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आए हो, बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने यहाँ पे हरा प्याज लिया है, यानी कि स्प्रिंग ऑनियन लिया है, और मैं इसका हाफ ही यूज करूँगी और ये रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये होली में स्पेशली बिहार में बनाया जाता है। तो ये प्याज का पकौड़ा मैं बनाऊँगी और मेरा तरीका कुछ अलग रहेगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैंने यहाँ अच्छी तरीके से इसको धो लिया था और इसको छोटे छोटे पीस में काट लूँगी। और ये जो रेसिपी है ना, बिहार में हमारे प्रॉपर गांव में ये फेमस होली के एक दिन पहले मनाया जाता है, ये बनाया जाता है ये रेसिपी। तो मैं इसका साइड का जो पार्ट होता है लास्ट का, इसको इस तरीके से धो के लंबा लंबा कट कर लूँगी और इसको छोटा छोटा पीस में ग्रीन वाले पार्ट को कट कर लूँगी। और आपको ये रेसिपी बिहार का, मेरे गांव का प्रॉपर ये फेमस रेसिपी है, ये होलिका दहन में बनाया जाता है शाम में, जरूर हर लोगों के घर में ये बनता है। तो मैंने यहाँ पे एक डब्बू भर के, इसे हम डब्बू बोलते हैं, आप इसको चम्मच भी बोल सकते हैं, भर के मैंने बेसन लिया है और एक चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है और एक छोटी चम्मच मैंने हल्दी डाला है और पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, क्योंकि बेसन जो है ये पानी ऑब्जर्व उतना नहीं करता है, तो धीरे ही डालिएगा इसमें पानी, नहीं तो ये बैटर बहुत पतला हो जाएगा, ये पानी ज़्यादा नहीं सोखता है, ये आटा नहीं है, तो धीरे धीरे पानी डालिएगा और इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाइएगा। इस तरीके से घुमाते घुमाते ये बैटर इस तरीके से स्मूथ तैयार होना चाहिए। उसके बाद इसमें मैंने 2 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर डाला है और 1 चम्मच धनिया पाउडर, इधर मैंने लहसुन लिया है और अदरक, और इसको मैं कूट के डालूँगी। और ये रेसिपी ना हमारे गांव को बहुत फेमस, मम्मी इसको बहुत अच्छा बनाती इसका, तो आज मैं बना के दिखाई। इसे पकौड़ा बहुत खाते हैं लेकिन ये अलग तरीके से थोड़ा बनाया जाता है। तो इसमें अदरक लहसुन का को कूट के इस तरीके से डाल देना है और इसमें हींग जरूर जाता है, हींग जरूर डलता है क्योंकि इसमें हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता। 1 नॉर्मल प्याज मैंने बारीक बारीक काट के इसमें डाल दिया था और ये भी मैंने जो ब्लास्ट का पार्ट काटा था ना वो भी मैंने डाल दिया है। और इसको मैं मिक्स करूँगी और ये कुरकुरी टेस्टी अच्छी सी पकौड़ी बनके तैयार होने वाली है। और मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और मैंने जितना भी ये प्याज का ये ग्रीन वाला पार्ट जितना भी काटा था सब मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मैंने नमक पहले नहीं डाला है क्योंकि ये प्याज जो है ये लीफ होता है ना, तो बेसन में जाने के बाद ये गलता है, सॉफ्ट होता है, तो नमक जब ये गल के सॉफ्ट हो के जितना ये क्वांटिटी बचेगा उसके हिसाब से मैं नमक डालूंगी। आप भी ऐसे ही करना, नहीं तो नमक ज़्यादा हो सकता है। और इसमें फिर मैंने नमक डाल दिया है और ऐसे भी इसमें थोड़ा कम नमक डालिए क्योंकि बेसन का जो है पकौड़ा बनाएंगे तो वो पानी ये जो है तेल में जाने के बाद ये कुरकुरा बनता है ना, तो नमक ज़्यादा हो सकता है, बेसन में कोशिश करिए कम नमक डालने की। इसको फिर 10 मिनट्स के लिए ढक के छोड़ दिया है और इधर मैंने एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ाया है और इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। इस पकौड़े को आप सरसों के तेल में बनाओ तो अच्छा है, ऐसे आप अपने हिसाब से कोई भी तेल जो खाते हो यूज कर सकते हो। फिर हाथ से एक एक करके सारे पकौड़े को मैंने डाल दिया है और आप इस होली इस पर पकौड़े को ज़रूर ट्राई करना मेरी तरीके से, हो सकता है आप भी बनाते हो इस तरीके से, तो आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा यमी टेस्टी लगते हैं और ये हेल्दी तो बहुत ही ज़्यादा होते ही हैं। ये प्याज, ग्रीन प्याज ये तो, और इसको धीमे फ्लेम पे नहीं करना है, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, ये इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना है, इस तरीके से इसको पकाना है अलटते पलटते। और ये सच में गाइस सीरियसली बहुत अच्छा लगता है।
तो आप भी बताना कि आप इस बार होली में क्या क्या बनाने वाले हो, तो मैं आपसे शेयर कर इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि होली में यही सब टेस्टी लगता है ना खाने में। और मैं ये अपनी मम्मी का रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो सच में अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसा लग रहा है। इसे तो खा के टेस्ट कर नहीं सकते हो, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। तो ये बन के तैयार हो गया, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना। तो मैंने इसको प्लेटिंग कर दिया है, प्लेट में डाल दिया, और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा यमी टेस्टी है। और आप भी बताना कि आप स्प्रिंग ओनियन का किस किस तरीके से यूज करते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छा दिख रहा है ना।